हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय व्लॉग चैनल। और आज मैं जा रही हूँ अपना एग्ज़ाम का सेंटर देखने, जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहाँ है मेरा ये। ऐसे तो पता है कि पटना में है, लेकिन किस जगह पे है, कैसा है, कभी गए नहीं है वहाँ, तो देखना है तो जाके देख रही हूँ मैं। ऐसे पता है कि जू के पास है और मुझे हर रोज़ जाना पड़ेगा, उतना दूर मेरे घर से बहुत ही दूर पड़ता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं मम्मी के साथ ऑटो में बैठ गई और चल रही हूँ अपने कॉलेज की तरफ। तो देखिए बाहर की तरफ अभी तो एक भी ट्रैफिक नहीं है, पर तुरंत में बहुत ट्रैफिक लग जाता है और मैं टेंशन में हो जाती हूँ, मेरा तबीयत ख़राब होने लगता है ट्रैफिक में, पता नहीं मेरा क्या हो जाता है। लेकिन भगवान का दया है कि अभी तो ट्रैफिक लगा नहीं है और भगवान करे आगे भी ना लगे। लेकिन और ये लो मैं अपने कॉलेज पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो पता चला आकर कि कॉलेज ही बंद है, क्योंकि कोई समारोह है, कपूरी समारोह शायद, इसी कारण बंद है। मैं अपने कॉलेज के बाहर बेंच बना हुआ है वहाँ पर बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही थक चुकी थी बस से ट्रैवल करके। और मैं बस में आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत भीड़। मैं आ गई पटना जू, जो कि मेरे कॉलेज के नज़दीक में ही है, तो मैं सोची क्यों ना जू भी घूम लिया जाए जो पास में है। ऐसे में मौका कैसे गवाऊं मैं, सही किया ना मैंने। और जू में मेरी एंट्री हो गई और अभी तो जा ही रही हूँ, देखती हूँ कि बाप रे इतना सारा आदमी, मैं तो चक्कर खा के गिर जाती। पर बच गई, मुझे जानवर नहीं बल्कि इंसानों से भेंट हो रही थी। अभी तो मेरी शुरुआत है, आप आगे आगे देखो होता है क्या। मैं जब ट्विस्ट थोड़े सा दूर चलने पर मुझे मिला टाइगर, और वो भी टाइगर बहुत ही कम थे, दो टाइगर थे वो भी बहुत दूर पे थे, और भी मिलेंगे तेंदुआ, जो कि मुझे बहुत ही टेंशन में डाल देती है। इतनी दूरी पर, इतना दूर दूर पर एक शेर था, पता है इतना बुढ़ा हो गया था वो बेचारा, सूखा हुआ था, पता नहीं पतला हो गया था पूरा, और ये गाड़ी से पूरा चिड़ियाघर घुमाता है। लेकिन मुझे, मैं बोली नहीं बाबा मुझे तो चलकर ही जाना है, ये गाड़ी से नहीं जाना है। मम्मी बोली चलो, मैं बोली नहीं, अब देखिए आपको तेंदुआ दिखाती हूँ जो कि बहुत ही दूर में, और मुझे तो टेंशन। मम्मी बोली यही देखने आई हो, मैं बोली चुराने दो ना मम्मी, देखने तो दो। पर बोल मम्मी बोली ठीक है चलो। मम्मी तो थक गई थी लेकिन मैं नहीं थकी थी, पर बोर हो रही थी थोड़ा थोड़ा जानवर। फिर यहाँ मिले देसी भालू, जो सब बोल रहे थे देसी भालू, मुझे तो अजीबोगरीब जैसा जानवर देखने को मिला चिड़ियाघर में। हाँ, भीड़ झूठ मुठ का, यहाँ पर बंदर है मतलब, और कुछ समझ में नहीं आता है मुझे यार, चिड़ियाघर में इतना जानवर कम कैसे हो गया, इंसान ज़्यादा जानवर। कोई बंदर को देखकर फ़ोटो ले रहा था और वो भी बहुत दूर पे था, तो मैं भी सोची क्यों ना मैं भी थोड़ा सा अपना वीडियो में अपना फेस दिखा दूँ। तो मैं सोची चलो, सोची क्या ले ही लेती हूँ, फिर मैं क्या लेने में पीछे हूँ, मैं तो आगे रहती। असली शेर की कमी हो गई है जिसके वजह से नौकरी से रख सकते थे। चिड़ियाघर में जानवरों की कमी हो गई है, इंसानों की संख्या ज़्यादा हो गई है, देखने वाले बहुत हैं और जानवर कम हैं। थोड़े से और दूर पे जाने पर मुझे एक टाइगर दिखा, जो कि इसे देखकर मुझे खुशी हुई क्योंकि ये थोड़ा ठीक था। और देखिए अब यहाँ से स्लो मोशन में जाएगा, और यहाँ पर भी एक टाइगर है जो कि बेचारा कैद है,
और इसे निकलने का चांस ही नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से ये गुजर रहा है, अब हम लोग को लग रहा है कि ये पानी पीने जा रहा है, लेकिन नहीं, पानी पीने नहीं जा रहा है, ये तो अपने साथी के पास जा रहा है, जो कि बेचारा मिल ही नहीं पाता है साथी से। और वो चलते 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 पहुँच गया, हम लोग को लगा कहाँ चला गया, गुम हो गया। तो इधर उधर देखी, फिर देखी यह है, तो फिर पता चला कि अपने साथी के पास ये जा रहा है स्लो मोशन में, लेकिन नहीं, ये भी नहीं होता है, ये तो सीधे फिर हम लोग की तरफ आ जाता है। और फिर देखिए, फिर सबको बहुत खुशी होने लगता है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो ये फिर वापस जा रहा है। और हम लोग थोड़ा सा निराश हो गए, क्योंकि सब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार थे, लेकिन बेचारा जा रहा है। थोड़े सा और दूर पे चले तो मुझे शुतुरमुर्ग मिले, और मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूँ, तो देख लीजिए, आप लोग को भी बहुत खुशी हुआ होगा कि चलो अच्छा है कोई तो दिखा। और मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो अच्छी हुई, मुझे भी अच्छा। ए कौन हो, हटो हटो दो चोटी वाली, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमको भालू दिख गए हैं देसी। तब यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे, तो मैं सोची क्यों ना मैं भी अपना टांग अड़ाऊँ और सेल्फी जगह पर वीडियो ले। सिर्फ देसी भालू ही दिख रहे हैं मुझे, और मैं आगे जाते जा रही हूँ, यहाँ क्या आया, तो मेरी मम्मी मजा से देख रही है देसी भालू को, लगता है कभी देखी ही नहीं है मेरी मम्मी जैसे देख रही है। और यहाँ भालू भी अपने लुप्त खूब उठा रहे हैं, सबको नज़ारे दिखा रहे हैं। यहाँ आ गए शुतुरमुर्ग के पास, यहाँ पर भी बहुत सारे थे, और यहाँ भी सब फोटो वगैरह ले रहा था, लेकिन मैं नहीं ली अपना। और एक पिता थे यहाँ पर बगल में, जो अपनी बेटी को बोल रहे थे कि ये होमवर्क नहीं बनाती है इसलिए जाओ, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई उनको, क्योंकि बच्ची बहुत रो रही थी यार। तो फिर आप लोग देख लीजिए ही, अभी शुतुरमुर्ग है ना, हमें तो याद भी नहीं है यार। और बताइए आप लोग भी, अच्छा लगा ना आप लोग को भी मेरा वीडियो, ये शुतुरमुर्ग, इसमें ढेर सारे शुतुरमुर्ग है। अभी आगे तो चलिए, और भी क्या दिखाएंगे आपको। यार दूर गए तो पक्षी दिखे, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी थे रंग बिरंग के, और भी आपको पक्षी दिखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत पिंजरे, अपना अलग अलग पिंजरा है सबका, सब अलग अलग, और सब में पता है यार 1 2 3 4 5 ऐसे पक्षी थे, सब में अलग अलग था, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होता है तब तो मज़ा आता है, लेकिन नहीं यहाँ। वहाँ देखिए एक और पक्षी, इसका क्या नाम था, भूल रहे हैं यार नाम, लेकिन आपको ज़रूर बताऊँगी मैं। और यहाँ देखिए ये है मैना, शायद मैना। और आप आगे चलते चलिए, यहाँ देखिए लव बर्ड, जिसे आप लोग बहुत ही प्यार करते हो, इससे घर में सब अपने अपने रखते हो। और भी दिखाती हूँ मैं, और यहाँ देखिए, यहाँ से तो ये लोग सेल्फी लेने वाले हट ही नहीं रहे, फ़ोटो इतने खींच रहे हैं। फिर यहाँ है काकोली, पता नहीं काकोली क्या है, ऐसे ही बोलते हैं सब। और भी है, चलिए आप चलते जाइए, देखते जाइए देखते जाइए, फ़ोटो वाला का कमी नहीं है यहाँ पर, बहुत ही फ़ोटो खींच रहे हैं सब। और भी चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए, यहाँ पर फिंच, और क्या नाम भी हमको नहीं अच्छा से सबका याद है यार। और वो भी सब में एक था, एक तो इतना कस के चिल्लाता है ना कि मैं तो बाप रे डर ही जाती हूँ, मुझे तो पूरा डर ही लग जाता है, यहीं पर चिल्लाएगा इतना कस के, क्या बताएं हम। एक इतना क्यूट पक्षी नजर आया हमको, जो कि लटका हुआ है, देखिए कितना अच्छा से पैरोट की तरह ही लग रहा है, शायद पैरोट ही हैं, हाँ पैरोट ही हैं, क्योंकि बहुत ही दूर में है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, धुंधला धुंधला, हाँ देखिए शीशा से कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप लोग भी देखिए, और आप लोग भी मजा लीजिए जैसे कि मैं ले रही हूँ, लेते जाइए मजा। और देखिए ये देखिए, यही चिल्लाता है इतना कस के, क्या बताएं आपको, इतना क्यूट लग रहा है ये हमको। चलते 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 अब मम्मी का मन होता है कि फोटो तो क्लिक किए ही नहीं, चलो ना सेल्फी लेते हैं, लेकिन मैं बोली ठीक है चलो। तो यहाँ सेल्फी लेने आए थे तो यहाँ पे है क्या इसको बोलते हैं, बत्तख। तो ये बत्तख और यहाँ कछुआ, इतना सारे कछुआ पानी में है और बत्तख है, थोड़ा सा ही पानी है जिसमें, ज़्यादा पानी नहीं है, और खाना इसमें
इसमें खाना है जो कि बहुत ही बदबू दे रहा था हमको वहाँ पर, लेकिन फिर भी क्या है, फोटो क्लिक कर लिए हम। और यहाँ पर आपको दिखेंगे हिरन, और हिरन को देखकर खुशी हुई क्योंकि यहाँ पर हिरन बहुत सारे हैं। पहली बार कोई जानवर हमको बहुत सारे दिखे, पहली बार। यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे हिरन के साथ, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं सोची क्यों ना मैं भी ले लूँ, लेकिन वीडियो आपको दिखाना पड़ा, सेल्फी इसलिए किसी को जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए। ये खी हुई इतना जानवर में ये ओह माय गॉड, मैं तो बहुत ही थक गई जानवर को देखते देखते, लेकिन ज्यादा नहीं, मम्मी के सामने मैं अपना हरासमेंट दिखा नहीं रही थी, थकावट आए थे। शायद ये हिप्पो है, लेकिन मुझे इससे वीडियो लेने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोग के वजह से मुझे लेना पड़ा कि आप लोग भी देख सकें। और ये इतना बदबू दे रहा था कि क्या बताएं, यहाँ पर और यहाँ पर गोबर का भी बदबू था, और यहाँ एक बिल्ली दिखी जो कि बहुत बड़ी बिल्ली है। अब मम्मी बोली हमको, ये क्या ले रही है बिल्ली के फोटो, ये तो घर में भी दिखता है। ठीक है, जू में बोटिंग भी हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए नहीं मैं गई, मम्मी बोली नहीं। अब ये देखिए जिराफ, और इसे सब बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या करें, ये बेचारा आ ही नहीं रहा था, शीशा से सुनाई उसे नहीं दे रहा था। और जिराफ की तरह ही उसका घर भी है, दम कलर फूल। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ, खुशी जब भी तेरी, खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। क्या मोर है, ये है गुलाब, क्या खुशबू है यार गुलाब की, है तो यहाँ खड़ा हो गया इधर से गिर। रोज रोज थक गए, अब हम रास्ता बुलाते करने। ये सुबह ये पकड़ के रास्ता है एकदम मत के, पहले ने आगे में हेलीकॉप्टर जो है, ग्रामीण मछली है।
व्हाइट मोर पर कहीं की रेलवे लाइन से बाहर निकल गए हैं। मेरे पैर ही नहीं रुक रहे हैं और मैं नहीं रुक रही हूँ। थैंक गॉड अब जाकर गेट मिला। गेट खुलते खुलते लोग का यही पढ़ाई चल रहा है ड्रामा। अभी शांत हो गई हमको आते के साथ। अभी बाहर से आवाज आ रहा था सुनाए अंदर से बाहर में कि ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं। कौची कौची हल्लर वल्लर गप कर रहा था। सारा जाएगा तुम्हारा यूट्यूब पे वायरल होगा। वहां जो करता है ना इसको देखे सबसे अच्छी शांत लड़की इसको। तो
बहुत ही रात हो गई है तो हम लोग जा रहे हैं सोने और पढ़ाई भी करने। लाइक किया, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब सब करें। बाय, गुड नाइट। भाई बोलो, भाई ये भी बोल रही थी यार, बोलो भाई, बाय, गुड नाइट।